खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन, इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टरों ने एक ऐसे ऐप का निर्माण किया जो दुर्घटना, दिल का दौरा, लकवा जैसी 54 बीमारियों में आपात स्थिति में आम आदमी के जीवन की रक्षा में खासा मददगार साबित होगा। इमरजेंसी में सही इलाज ना मिले तो मरीज की या तो मौत हो जाती है या फिर उसके गंभीर परिणाम वह जीवन भर भुगतता रहता है। इस नव अनुभव ऐप के माध्यम से पता पड़ जाएगा कि मरीज कितना गंभीर है, प्राथमिक इलाज क्या करें, उसका इलाज कहाँ हो, वहाँ तक कैसे सुरक्षित पहुँचाया जा सके, जांच क्या करें, किस मरीज को रेफर करने की ज़रूरत है और कहाँ रेफर करने की ज़रूरत है। दरअसल डॉक्टर दीप्ति भार्गव ओदक के मौसी के लड़के डॉक्टर अनुभव भार्गव की मृत्यु मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में छोटी सी बीमारी से हो गई थी। तबीयत बिगड़ी और 3 घंटे तक सही इलाज नहीं मिला, इस कारण उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर होने के बावजूद सही गाइडलाइंस नहीं होने का खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इंटरनेशनल गाइडलाइंस बीमारियों के लिए उपलब्ध है लेकिन उनका पालन भारतवर्ष में नहीं होता है, जबकि कई देशों में इसका पालन करने से कई जानें बचा ली जाती हैं। डॉक्टर दीप्ति को यह नागवार गुजरा कि एक छोटी सी बीमारी जिसका इलाज संभव है वह किसी की जान कैसे ले सकती है। डॉक्टर दीप्ति ने भारतीय मूल के डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं मध्य प्रदेश में PHC लेवल पर काम कर रहे डॉक्टरों के साथ मिलकर गाइडलाइन बनाई और हमें इसे आमजन तक पहुंचाने के लिए संक्षिप्त रूप में एक ऐप नव अनुभव का निर्माण किया। डॉक्टर दीप्ति ने टीम प्रोजेक्ट स्वस्ति बनाई जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ ओदम UK, MD मेडिसिन डॉक्टर भाग्यश्री धोत्रे UK, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश धोत्रे UK, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्जवल नायक UK, डॉक्टर अंशुल यादव दिल्ली, डॉक्टर नीला सुरंगे UK, डॉक्टर रविंद्र सुरंगे UK, डॉक्टर मनोज भार्गव ने मिलकर नई गाइडलाइन बनाई तथा उसे नव अनुभव ऐप में समाहित किया, जिसका निर्माण सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिनव भार्गव ने किया। प्रथम चरण में आपात स्थितियों के लिए मानकीकृत दिशा निर्देश। स्वास्थ्य गाइडलाइन के मामले में भारत विश्व में 120वें स्थान पर है, उसमें भी मध्य प्रदेश की स्थिति इन मापदंडों पर अत्यंत दयनीय है। समाज में स्वास्थ्य को लेकर अज्ञानता और डॉक्टरों द्वारा अनियंत्रित इलाज के कारण भी कई बार मरीज परेशानी में पड़ जाते हैं। प्रोजेक्ट स्वस्ति में कार्यरत ब्रिटेन में रह रहे भारतीय मूल के डॉक्टर्स ने मानकीकृत दिशा निर्देशों का पालन कर अपने देश व प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार के लिए इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया, जिसमें प्रथम चरण में आपात स्थितियों के लिए मानकीकृत दिशा निर्देश तैयार किए गए, स्थानीय साधनों की सीमाओं को ध्यान में बनाई गाइडलाइंस। प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश में 1 साल में PHC में आपात चिकित्सा संबंधी आने वाले मरीजों के तथ्य एकत्रित किए, इन्हीं आपात समस्या वाले रोगों का चयन कर उनके लिए मानकीकृत गाइडलाइन तैयार की गई। यह बीमारियां वो कॉमन आपात स्थितियों वाली बीमारियां हैं जिनमें यदि समय पर उनका सही व त्वरित इलाज ना मिले तो वह बीमारी मरीज के लिए प्राणघातक या गंभीर परिणाम भोगने वाली हो सकती है। ऐसी आपात स्थितियों के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस पूर्व से ही उपलब्ध हैं, परंतु हमारे प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य साधनों में उनका पालन संभव नहीं है। इसीलिए वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था PHC व मेडिकल ऑफिसर को प्राप्त स्थानीय साधनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर ये गाइडलाइंस बनाई हैं, जिनका वर्तमान साधनों में बहुत आसानी से पालन किया जा सकता है। डॉक्टर एवं आमजन के लिए किया नव अनुभव का लोकार्पण। बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब का नंबर 91, 90 और 110 पे जहाँ की गाइडलाइंस की फॉलो किया जाता है। हमसे नहीं कम सुविधाएं वहां पर भी मृत्यु दर, आकस्मिक मृत्यु दर हमसे कहीं कम है, और स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश में तो अभी जो सर्वे हुआ था उसमें हम नंबर -7 पे आए हैं। तो हमारे यहाँ भी जैसे जो कंडीशन जैसे टीबी है उसकी गाइडलाइंस बनाई है कि इनका ऐसे इलाज होगा, 6 महीने तक ये दवाई देनी है, 18 महीने तक ये दवाई देनी है, जहाँ वो फॉलो किया गया है वहाँ का आउटकम अच्छा हुआ है। अब बात यह है कि इंटरनेशनली दुनिया में तो सब चीज की गाइडलाइन बनी हुई है, तो हम उसको सीधा सीधा क्यों नहीं कर सकते।
यही चीज हमारे पिछले साल बड़ी मुश्किल था, हमारा मेरा छोटा भाई जो उसको डॉक्टर था, उसको छोटी सी बीमारी हुई थी, इन्फेक्शन हुआ, और उसके सही मैनेजमेंट नहीं मिलने की वजह से हमने उसे खो दिया। तो हमने वही चीज़ थोड़ी दिक्कत से सीखी और इसी तरह लगा कि इसको ऐसे क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करते तो ठीक होता। तो तब सोचा कि ये गाइडलाइंस यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है, और ये समझ में आया कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करने जाएंगे तो उनके साधन ही नहीं है, और उसका हर बार बहाना ही हो जाता है कि क्योंकि साधन नहीं है तो उसको कैसे फॉलो करें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस हमने यहाँ नहीं फॉलो कर पाए। गाइडलाइंस का एक मोबाइल ऐप नव अनुभव तैयार किया, जो मोबाइल में डाउनलोड कर फ्लोचार्ट के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। इसमें उन बीमारियों के लक्षण, उनके डायग्नोसिस के लिए आवश्यक जांच व उनके बुरे असर से मरीज को बचाने के लिए आवश्यक त्वरित इलाज का प्रोटोकॉल फ्लोचार्ट के रूप में दिया गया है। इस फ्लोचार्ट की मदद से छोटे अस्पताल में नए डॉक्टरों को सही समय पर सही इलाज करने में मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वहीं मरीज गंभीर परिणामों को भोगने से बच सकते हैं। यह ऐप निःशुल्क रूप से सभी के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसको डॉक्टर एवं जनहित में लोकार्पण हुआ। इस ऐप का हिंदी अनुवाद भी शीघ्र ही उपलब्ध होगा। कलेक्टर ने लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डॉक्टर दीप्ति भार्गव ओदक ने बताया कि कलेक्टर शशांक मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट को उज्जैन ब्लॉक के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। वह इस हेतु 4 नवंबर को CMO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के सहयोग से पूरे ब्लॉक के PHC, CHC एवं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स को ऐप नव अनुभव की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, जहां 3 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे, ताकि गांव-गांव में कार्यरत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसको समझकर लोगों का सही इलाज भी कर सकते हैं, और समय रहते उन्हें यदि बड़े अस्पतालों में भेजना हो तो बीमारी की गंभीरता को समझकर उसे सही प्राथमिक उपचार देकर उचित समय पर बड़े अस्पताल भेज सकें। डॉक्टर दीप्ति ने प्रोजेक्ट स्वस्ति टीम की ओर से कलेक्टर शशांक मिश्रा का आभार माना। उज्जैन से शुरू होकर पूरे प्रदेश में होगा अनुकरणीय। डॉक्टर दीप्ति ने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रोजेक्ट स्वस्ति के अनुसरण एवं ऐप नव अनुभव में दर्शाए नवाचार के पालन से उज्जैन में होने वाला स्वास्थ्य मानकों में सुधार पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय सिद्ध होगा और सभी को समान एवं सुरक्षित विश्व स्तरीय प्राथमिक उपचार मिलेगा। ये ऐप हमने सबसे लॉन्च करी है कि हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस होने की वजह से, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस होने की वजह से जो स्वास्थ्य के जितने भी मापदंड होते हैं, स्पेशली आकस्मिक मृत्यु दर, वो बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है अगर कोई भी डॉक्टर, चाहे वो कहीं भी हो, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर पाए। जैसे कोई किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट हो सकता है, अगर मैं न्यूरोसर्जन हूँ, अगर कोई हार्ट अटैक लेके आ गया और मुझे नहीं मालूम है कि उसका क्या करना है, तो मैं भी अगर उस गाइडलाइन को फॉलो करके करूँ तो मैं उसका उस घंटे में तो सही इलाज कर सकती हूँ और फिर उसको एक कार्डियोलॉजी वाले के पास या मेडिसिन वाले के पास भेज सकती हूँ। तो ऐसे किसी भी डॉक्टर के लिए, स्पेशली जहाँ सुविधा कम है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, CHCs में, उस हिसाब से हमने इस गाइडलाइन को बनाया है। ये बहुत रिसर्च बेस्ड जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनको हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के साधनों के अनुसार डालकर बनाया गया। आपका नाम? दीप्ति भार्गव। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।